आप सबके लिए फिर से ला चुका हूँ मैं TGRNR का न्यू एरोप्लेन वाला एडिटिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देखो। रिव्यू देखने के बाद आपको पता चला हो कितना ज्यादा तगड़ा एडिटिंग ट्यूटोरियल आज का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, ना ही वीडियो को स्किप करना। और काफी बंदे कमेंट कर रहे थे कि मेरा ये वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उन सबका सोल्यूशन भी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। आपको फ्री फायर में आना, बीआर मैच स्टार्ट करना है, जो लॉबी है ना वहाँ पे आप इमोट मारना। काफी बंदे ऑटोमेटिक इमोट मारने लगेंगे, फिर अगर एरोमेल जो हमारी क्लिप आने वाली है उसमें गाना थोड़ा सा रोटेट करके एक जगह स्थिर कर लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और देन इस क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा सा आगे जाके एरोप्लेन। और फिर आपको वन पुशअप वाला इमोट मार के रिकॉर्ड कर लेना है, और जो डांस वाला इमोट वाला क्लिप है इसे भी रिकॉर्ड कर लेना है, या फिर कहो इसे जादू वाला इमोट जो सा भी है इसे उसे आप रिकॉर्ड कर लेना। और जो भी आपने क्लिप रिकॉर्ड किया उसे आप कैपकट में एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद जो फर्स्ट हमारी इमोट वाली क्लिप है ना वो ओनली 10 सेकंड की रहनी चाहिए, और जो हमारा एरोप्लेन वाला है ना उसे मिला के टोटल 14 सेकंड का हो जाएगा। और फिर उसके आगे वाले पार्ट में आप अच्छे से रोटेट कर लेना, एक जगह फोकस कर लेना अपने एरोप्लेन को, जिसके बाद हम इसमें एडिटिंग करने वाले हैं। और जो हमारी ये एरोप्लेन वाली क्लिप है ना वो कुछ ज्यादा ही लंबी है, तो मैं इसे छोटा करने वाला हूँ। तो इसको ओनली आपको कितना रखना है, 17 सेकंड या 16 सेकंड के आसपास रखना है। मैं यहाँ पर इसे 17 सेकंड रखूंगा, तो एक स्प्लिट मार के पीछे वाला सारा पार्ट डिलीट कर दूंगा। देन अपनी लाइन को लास्ट में रखना, किनारे आपको एक ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक करके आप सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, जिससे इसका एक स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। फिर उसे रिटच एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट कर लेना, रेजर का ऑप्शन पे क्लिक करके हर एक चीज रिमूव कर देना, जो भी एरोप्लेन हमारा रिमूव करके ऊपर एक एक्सपोर्ट का दिख रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करके सेव अ कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी इमेज सेव हो जाए। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा प्लान जिससे आप काफी अच्छे खासे पैसे अर्न करके डायमंड परचेस कर सकते हो। इस ऐप का ओपन होते ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो इजिली यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेना। और जैसे आप रजिस्टर कर ले तो यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी दिख जाएगा, जिससे आप रेफर करके काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हो। अगर इस ऐप पर आपको काफी अच्छे खासे बोनस भी मिलने वाले हैं, तो आप सोच रहे हो इस ऐप से आप पैसे कैसे अर्न करें, तो यहाँ पर काफी सारे गेम है जिसे आप खेल के इजिली बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो, जैसे ट्रिगर गेम, फॉर्चून गेम, फुटबॉल गेम, और ऐसे काफी सारे गेम्स हैं जिन्हें आप खेल के इजिली बहुत अच्छे खासा पैसा अर्न कर सकते हो। और इन सब जीते हुए पैसे को आप इजिली विड्रॉल भी कर सकते हो बैंक और UPI के थ्रू। तो इंतजार किस बात का, जाओ खेलो और बहुत सारे पैसे अर्न करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से फटाफट डाउनलोड करो। आपको मोशन लीप ऐप में आ जाना है, और जो हमारा एरोप्लेन वाले स्क्रीनशॉट लिया था ना उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना। आपको नीचे स्काई का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस स्काई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है ST04 वाला इफेक्ट, उस पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा टैप करना, और टैप करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाएगा आपको यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले को पूरा 100 करना, देन लास्ट वाले को आपको करना है 70। देन आपका काफी अच्छा यहाँ पर बादल वाला इफेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाना है, देन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस तरीके से मैं एरो कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी एरो करना है। इससे होगा ये जो भी हमारी इमेज है उसमें मूवमेंट आएगी, ऐसा लगेगा कि एरोप्लेन हमारा मूवमेंट कर रहा है। फिर आपको एक फ्रीज का ऑप्शन दिख जाएगा, उस फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एरोप्लेन को आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर, और HP और ऊपर के साइड में जो चीजें हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना। इससे होगा ये स्थिर रहेगी, और जो बाकी चीजें हैं यहाँ पर जो जमीन ये सब है वो मूवमेंट करेगी, तो इस तरीके से लगेगा कि एरोप्लेन हमारा रियलिटी में चल रहा है। आपको एक इफेक्ट ऑप्शन देखा, उस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ढूंढ लेना आपको SM03 वाला इफेक्ट, उस पर क्लिक कर देना। आपको किनारे रेजर का ऑप्शन देखा, उस रेजर से हर जगह का रिमूव कर देना, खाली एरोप्लेन पे छोड़ देना यहाँ पर संतरी संतरी जिस तरीके से मैंने रखा है। इससे होगा ये जो हमारा एरोप्लेन में से ना मस्त धुआं निकलेगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। फिर उसके बाद अगर ना बैक आने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाना, वीडियो वाला सिंबल मिलेगा उस पर क्लिक करके देन स्क्रॉल करना, FX04 वाला यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, और उस इमेज को ऐड कर लेना जिसमें से हमने एरोप्लेन को रिमूव किया था। तो इसमें वही वाली सेटिंग कर लेना जो हमने पहले की थी, देन इसे भी एक्सपोर्ट करके दोबारा से काइंड मास्टर में दोनों को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अगर ना जो हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है ना वो कम से कम 20 सेकंड तक रहनी चाहिए, 20 सेकंड या 20 सेकंड से भी कम, मैंने 19 सेकंड रखा है, और जो आगे वाला पार्ट है वो दोनों मिला के ना टोटल 21 सेकंड तक जाना चाहिए। और जैसे एरोप्लेन वाला क्लिप स्टार्ट हो रहा है वहीं पर अपनी लाइन को ले आना, लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टिकर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना, ऊपर होम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके देन यहाँ पे सर्च करने ला लाइट वाला, नीचे आपको स्क्रॉल करना, लाइट एंड इफेक्ट मिलेगा जैसे आप डाउनलोड कर लेना, देन बैक आके उस इफेक्ट को सेट कर लेना, देन छठा वाला जो हमारी बिजली वाला इफेक्ट है ना उसे यहाँ पे ऐड कर लेना, और इसे आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना जस्ट ऊपर के साइड में, जैसे लगना चाहिए बादल में से बिजली कड़क रही है। तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद लास्ट में
जाना लास्ट में आने के बाद यहाँ पर कटआउट कर देना जो भी बेकार पार्ट है इसका। आपको थोड़ा सा पीछे आ जाना और फिर से यहाँ पर लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, स्टिकर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे बिजली वाला का इफेक्ट मिल जाएगा आपको चौथा वाला, उसे सिलेक्ट कर यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको इसे लगाना है। और जहाँ से ये सेकंड वाले क्लिप स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें एरोप्लेन नहीं है उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे इस इफेक्ट को रखना और ऊपर के साइड में अच्छे तरीके से लगा देना। जहाँ पे मैंने एडजस्ट किया जस्ट वहीं पर एडजस्ट करना, फिर क्या करना इसे हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर लेना, फिर इस वीडियो को कैपकट एप्लीकेशन में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जैसे हमारा ये एरोप्लेन स्टार्ट हो रहा है फिर उसके बाद यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे सीधा हो जा रहा है ना पूरा, तो वहीं पर आपको एक स्प्लिट मारना है, ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, इमोट वाली क्लिप को ऐड कर लेना जो हमने वन उंगली से पुशअप मारा था, फिर नीचे साइड में स्क्रॉल कर कटआउट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड इजीली इसका रिमूव कर देना, और फिर अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना एरोप्लेन के जस्ट ऊपर, ऐसा लगना चाहिए कि एरोप्लेन हमारा कैरेक्टर एरोप्लेन के अंदर से निकला है। तो अच्छे तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसे, पूरा अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी की फ्रेमिंग की आप भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाली जो इमोट वाली क्लिप है ना जिसमें हमारा कैरेक्टर जादू वाला इमोट मार रहा होता है, उसका क्या करना है स्क्रॉल करके नीचे साइड में उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देना अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से रिमूव करने के बाद करना थोड़ा स्लाइड करके आगे और ले आना, जैसे कि हमारा पीछे वाला जो करेक्टर है ना जहाँ पे हमारा करेक्टर खड़ा था वहाँ पे अच्छे तरीके से हम उसे जस्ट वहीं पर एडजस्ट कर सके। तो काफी ज्यादा टाइम मुझे लगा एडजस्ट करने में, एडजस्ट करने के बाद वापस इसे आगे की ओर ले आना और जस्ट पहली वाली क्लिप खत्म होती है तो दूसरी वाली क्लिप ये जो हमारी क्लिप है स्टार्ट होनी चाहिए, इस तरीके से एडजस्ट करना। और आप अपनी वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो कैसी लग रही है हमारी क्लिप, और उसके बाद क्या करना है हम ब्लास्ट वाली इफेक्ट बनाने वाले हैं। जिस क्लिप में एरोप्लेन नहीं उस क्लिप में आ जाना और वहीं से आप यहाँ पे ब्लास्ट वाली इफेक्ट बनाने वाले हैं, तो सारे यहाँ पे ब्लास्ट वाली इफेक्ट मैंने एक ही बार में ऐड कर लिया है। और ये सारा मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। जो हमारे एरोप्लेन के टुकड़े वाला यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है ना सबसे पहले उसे हम लेके आएंगे, तो वो रहा मेरा ग्रीन स्क्रीन, तो उसे करूँ उस वाले ग्रीन स्क्रीन को आकर थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और करूँगा इसका पहले नीचे साइड में स्क्रॉल करें कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, क्रोमा की से आप इजीली यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दोगे तो बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाए ग्रीन स्क्रीन। और फिर स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसकी स्पीड को भी इंक्रीज करूंगा 5x सेकंड रखूंगा, और इस अपने क्लिप के जस्ट बीचों बीच में रखना आप एंड होने से थोड़ा सा पहले और स्टार्ट होने से थोड़ा सा बाद में जस्ट बीचों बीच में। अब मैं करूंगा इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा एकदम अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद मैं ब्लास्ट वाले यहाँ पर इफेक्ट को ले आऊंगा यहाँ पर बीच में और उसे करूंगा इसका भी हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करूंगा सबसे पहले, तो नीचे साइड में स्क्रॉल करके कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की पर ग्रीन कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूंगा, देन राइट कर दूंगा। और इसमें काफी ग्रीन स्किन बच रहा है तो क्या करूंगा एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके HSL वाले पर ग्रीन स्किन सेलेक्ट करके पूरा कम कर दूंगा, तो इसका ग्रीन स्किन जड़ से मिट जाएगा। फिर इसे स्लाइड करके आगे की ओर ले आना, फिर इसकी भी हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो अगर वीडियो पे क्लिक करके स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 2x सेकंड रखेंगे इसका भी, जिससे कि हमारे क्लिप के साथ ब्लास्ट वाला इफेक्ट भी एंड हो जाएगा। फिर अगर आपको लास्ट वाला जो यहाँ पे ग्रीन स्किन बचा है ना उसका भी स्पीड आप इंक्रीज कर लेना 5x सेकंड, फिर इसे बीच में ले आएंगे नीचे साइड में स्क्रॉल करेंगे लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे लेयर्स 3 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ब्लास्ट के ये ऊपर इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और क्या करना कटआउट वाले ऑप्शन पे फिर से आना, क्रोमा की से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना, देन इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना पूरा हाई कर देना, ठीक है, और फिर आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना थोड़ा बड़ा रखना इसे बड़ा। फिर आपको नीचे मास्क का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पे थर्ड वाला मास्क सेलेक्ट कर लेना, और क्या करना यहाँ पे एक ऊपर एरो दिख रहा होगा साइड में एरो दिख रहा हो साइड वाले को एरो को इंक्रीज करना, ऊपर वाले को भी इंक्रीज कर सकते हो, और नीचे यहाँ पे एरो दिख रहा होगा उसे हल्का सा इंक्रीज करना जस्ट हल्का सा, इससे होगा ये जो भी बॉक्सेस बनते हैं ना वो बॉक्सेस नहीं बनेंगे। तो आप जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरीके से एडजस्ट कर लेना। फिर यहाँ पे ब्लास्ट वाली क्लिप को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा और एक की फ्रेम मिलाऊंगा शुरुआती में, की फ्रेम मिला के छोटा कर दूंगा ब्लास्ट वाले इफेक्ट को, और जहाँ पे एरोप्लेन है हमारा बीचों बीच में हमारा कैरेक्टर खड़ा है वहीं पर उसे ले जाकर लगा दूंगा। और फिर अगर एक दूसरा की फ्रेमिंग और इसमें लगाने वाला हूँ मैं जस्ट थोड़ा सा आगे दूसरा की फ्रेमिंग लगाऊंगा और क्या करूंगा वापस से अपने ब्लास्ट वाले इफेक्ट को बड़ा कर लूंगा, फिर से वापस से अपने जगह पर यहाँ स्लाइड करके ले आना और इन सारे ब्लास्ट वाले इफेक्ट को अच्छे तरीके से बिल्कुल एडजस्ट कर लेना जिस तरीके से मैंने एडजस्ट किया है। लगना चाहिए एकदम तगड़ा यहाँ पे एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ है हमारा। फिर क्या करना इसे हाई क्वालिटी पर एक्सपोर्ट कर लेना, और अभी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम और बचा है अभी, तो क्या करना मैं दोबारा से इस क्लिप को कैपकट में एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद नीचे साइड में स्क्रॉल करना, एडजस्टमेंट थोड़ा सा कर लेना, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन एक्सपोजर सबको यहाँ पर इंक्रीज कर लेना, साइडों को माइनस करना, और लास्ट में विग्रेंट का ऑप्शन देखो उसे 15 जरूर इंक्रीज करना, वो करना इंपॉर्टेंट है। और जहाँ से हमारी एरोप्लेन वाली क्लिप स्टार्ट होती है ना जहाँ से बिजली वाला इफेक्ट आता है तो वहाँ पे कटआउट मार के फिर से एडजस्टमेंट में आना और विग्रेंट को और थोड़ा इंक्रीज कर देना, और आपको लास्ट में आना प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा उस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मार्वल वाला जो भी क्लिप है ना हमारा उसे मैं ऐड कर लूंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा इजिली। आपको उस वाली क्लिप पे आ जाना जहाँ से हमारा एरोप्लेन वाली क्लिप स्टार्ट हो वहीं पर आपको कटआउट मारना, कटआउट मारने के बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर नाइट क्लब वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर प्ले पांडुलम वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना जो आपको इजीली मिल जाएगा। काफी बंदों का इफेक्ट नहीं आता उसका सोल्यूशन मैं लास्ट में दूंगा, तो पहले एडजस्टमेंट देख लो, इंटेंसिटी को 16-17 रखना है, सेकंड वाले को 0, स्पीड को पूरा हाई, और यहाँ पे लास्ट वाले को 50 रखना है।
देन इसे क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे तक ले आना, जहाँ से यहाँ पे दूसरा वाला हमारा एरोप्लेन वाला क्लिप स्टार्ट नहीं होता वहाँ तक रखना इसे, और वहीं पर हमारा स्प्लिट लग रखा है तो क्या करना, वीडियो पे क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉस सेक वाला एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, देन राइट कर देना। और आपको थोड़ा सा आगे आना है, और आगे आने के बाद यहाँ से ब्लास्ट वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर आपको कटआउट मारना, कटआउट मारने के बाद एनिमेशन पे क्लिक करके और फिर स्क्रॉल करना है, लास्ट में आ जाना है, आपको स्क्रीन पर एनिमेशन का नाम शो करना होगा, वही वाला एनिमेशन यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे लगा लेना अच्छे तरीके से। और जितने भी आपके यहाँ पर क्लिप है ना, उन सबका वॉल्यूम 0 जरूर से कर देना। ब्लैक एरोप्लेन वाला जैसे क्लिप स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर आपको एक और इफेक्ट लगाना है, तो वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेक वाला यहाँ पे वीडियो इफेक्ट ढूंढ लेना, जो आपको इजिली मिल जाएगा। सेक वाले वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे करना, जो हमारा स्पीड है ना उसको यहाँ पे 16 17 या फिर 12 रख सकते हो आप, और इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे इसे 22 रखूंगा, और 22 करने के बाद राइट कर दूंगा। और जैसे ब्लैक एरोप्लेन वाला क्लिप स्टार्ट हो रहा हो, वहीं से आपका इफेक्ट भी स्टार्ट होना चाहिए, और जहाँ पर हमारा ब्लास्ट वाला इफेक्ट शुरुआत हो रहा हो वहीं तक ये वाला इफेक्ट रहना चाहिए। और फिर इस वीडियो का यहाँ पर मेन सॉन्ग यहाँ पर ऐड कर लेना, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट उसे ऐड कर लेता हूँ। अगर आपकी वीडियो बनकर रेडी है, फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले आपका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, उसका सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा, फॉलो जरूर से कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फाइनल रिजल्ट देख भाई।